परमेश्वर के लोगों, आज हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है। वर्ष 1947 में हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। आज के दिन को हम मसीहियों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि इस दिन को बड़े दिन की ही तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसे देश में स्वतंत्र रखा है जहाँ हम आज़ादी से अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं। तो आइए, हमारे भारत देश के इस विशेष दिन में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में स्वतंत्रता के लिए क्या विशेष लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। परमेश्वर के लोगों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।